दो विशेष समुदाय के युवकों द्वारा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने भगवान हनुमान की प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ये मामला डिंडोरी का है, जहां शहपुरा में स्थित आस्था का केंद्र माँ शारदा टेकरी के मुख्य द्वार पर स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा के साथ अमजद खान और वन रक्षक फिरोज खान ने दुर्व्यवहार किया। इन आरोपियों की शिकायत शारदा टेकरी के मुख्य गेट के पास ही टपरी बनाकर रहने वाले पुजारी गणेश गोलिया ने की थी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश बढ़ गया है। हिंदूवादी संगठनों ने शहपुरा थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि प्रशासन NSA के तहत कार्रवाई नहीं करता है तो हम आंदोलन करेंगे। कि हम कल NSA की कार्रवाई कर देंगे, इस आश्वासन में हम लोग उठ रहे हैं। अगर कल NSA की कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम परसों के लिए पूरा सहायता प्रबंध करेंगे। वही इस मामले को लेकर ASP जगन्नाथ मरकाम ने कहा कि यह घटना 17 जुलाई की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर ये जो 17/7/2023 को वो जो शारदा टेकरी के इसमें जो गेट के पास में कोई हनुमान जी का मूर्ति वगैरह थी, तो यहाँ पर पुजारी का कहना है कि उन्हीं के द्वारा जूता से चढ़ा गया है। ये आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में भेज दी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।